नारान में एक दफ़ा फिर बर्फबारी का राज। बर्फबारी ने नारान को एक दफ़ा फिर अपनी लपेट में ले लिया। गुज़िश्ता बर्फबारी के बाद नारान में यह बर्फबारी 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है। नारान तो वीरान है और इस नारान वीरान में तो अभी बर्फबारी का राज है और इस टाइम फुल नारान बर्फबारी से भरा हुआ है और ना तो नारान में इस टाइम कोई जा सकता है। टूरिज्म लोगों की बात की जाए तो टूरिज्म लोग कागान तक जा सकते हैं और इस टाइम कागान में सिर्फ मकामी लोग ही हैं क्योंकि टूरिज्म लोग अभी तक ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और ये हमारी वीडियो देखें और जानिए नारान में बर्फबारी का राज फिर से शुरू हो चुका है। और अभी आप ट्रैवल करना चाहते हैं नारान की तरफ, अभी नारान में आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आप इस टाइम कागान में आ सकते हैं। नारान में बर्फबारी अपनी खूबसूरती बनाती हुए, ये हालात होते हैं बर्फबारी के बाद ऐसा खूबसूरत मंजर पेश करती है बर्फबारी। गुज़िश्ता बर्फबारी नारान में 3 से 4 फीट तक पड़ी थी और ये जो बर्फबारी है ये बर्फबारी अभी शुरू हुई है और इसका अभी तक कोई पता नहीं है कि अभी तक कितनी होगी, लेकिन आगे हम आपको सूरत हाल पेश करते रहेंगे। इसीलिए बनिए रहिए हमारी वीडियो के साथ, इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। पाकिस्तान के सियाहती मकामात से अपडेट्स मिलती रहती हैं और इसी अपडेट्स जानने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस हसीन वादी को देखने के बाद इस वादी की तरफ आने का दिल करता है, लेकिन अगर आप आते हैं तो आप एहतियाती तदबीर को अपना कर आएँ। एहतियाती तदबीर को अपनाने के लिए आपको 4x4 गाड़ी की ज़रूरत होगी जो कि यहाँ पर बहुत ही मस्ट है। स्नो चैन की ज़रूरत होगी जो कि आपको फिसलने से आपकी गाड़ी को बहुत ही महफूज करेगा। होटल अभी तक कागान वैली में भी खुले हैं और कागान से पीछे भी और कागान से आगे बिल्कुल भी बंद हो चुका है। नारान वहां से आगे बंद है और वहां तक आपका जाना बहुत ही मुश्किल है।